हेलो व्यूअर्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम इंस्टॉल करने वाले हैं एमएलओ इम्प्रूव्ड एंड कस्टमाइज्ड मलिव्यू मेंशन। तो गाइस, मेरे चैनल पे पिछली वीडियो भी है, जिसमें पहले वाली भी वीडियो है जिसमें मैंने मलिव्यू मेंशन इंस्टॉल किया था। लेकिन गाइस, इसमें जो है अपन करेंगे कस्टमाइज मलिव्यू मेंशन इंस्टॉल। अभी मैं आपको उसका शोकेस भी कराऊंगा। आप देख रहे होंगे गाइस कि एंट्रेंस में कितना वो चेंज आया। आप पिछले वाले को देखिएगा और उसमें देखिएगा, इसमें है ना बहुत से इंप्रूव किए गए। जैसे गाइस, इसमें FPS का इशू बहुत आता था कि ये जो हाउस है, जैसे FPS इधर अपना बहुत गिरता था, तो थोड़ा FPS को इसमें बेटर किया गया। कुछ कॉलिजन्स थे, कुछ ग्लिचेस थे, वो सही किए गए। लाइट सेट की गई है गाइस, जो कि बहुत रात में ग्लो होगा। अभी मैं आपको इसमें रात का भी दिखाऊंगा, तो रात को भी इसमें जो लाइट्स हैं वो बड़ी ग्लो होंगी, वो भी आप देखिएगा गाइस। और गाइस, इसमें न्यू प्लांट्स ऐड करें, कुछ TV सीन्स स्क्रीन्स ऐड करें, पूल्स जो थे जो सही वर्क नहीं कर रहे थे वो ऐड करें। और गाइस, बाहर से जो इस हाउस की जो मेन चीज़ थी, बाहर से जो था इस मेंशन का जो अंदर का इंटीरियर था वो नहीं विजिबल होता था, लेकिन इस जो अपन इंस्टॉल करेंगे एमएलओ इम्प्रूव वाला, इसमें जो है अपन को बाहर से इंटीरियर इसका विजिबल हो जाएगा। अभी मैं आपको शोकेस दिखा रहा हूँ पूरे घर का। घर गाइस, हाउस तो वही है जैसा कि आप देख सकते हैं, बस इसमें थोड़ी सी चेंजेस की गई हैं, तो वो मैं आज इंस्टॉल करना बताऊँगा। और कुछ मॉड्स जो हैं जो कि और यूज़ करें गए हैं, जो कि बाहर के हैं, जिसमें गाइस अपन को एक मॉड और लगेगा एड ऑन प्रॉप्स, जो कि पहले से ही मॉड की फाइल में प्रेजेंट होगा, तो बस अपन ने वो इंस्टॉल करना है। देखो गाइस, पूरा मेंशन वही है, मैं आपको जो शोकेस दिखा रहा हूँ पूरा मेंशन गाइस वही है, बस थोड़े से इसमें चेंजेस किए गए हैं। बाकी अड़तागल की पेंटिंग भी लगी हुई है भाई इधर, तो खैर इधर कुछ पेंटिंग चेंज की गई हैं गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वॉलपेपर्स कुछ चेंज किए गए हैं, कुछ को हाई डिटेल किया गया है, ग्लिचेस गायब किए गए हैं थोड़े, और TVs के जो सिनेरियोज हैं वो ऐड किए हैं, और डिटेलिंग थोड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी कर दी है। FPS का गाइस इसमें बहुत बड़ा इशू होता था, जैसे कि सब लोगों को पता ही होगा, FPS इधर बहुत जाता था, मेरा भी बहुत जाता था, लेकिन अभी थोड़ा FPS अभी भी जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जाता जितना पहले जाता था। बाकी आप देख सकते हैं गाइस, एंट्रेंस के जो डोर्स हैं वो कैसे किए हैं। बाकी ये है अपना पूरा मलिव्यू मेंशन, जिसका गाइस मैंने आपको ओवरव्यू शुरू में ही दिखा दिया। बाकी देख सकते हैं गाइस, अभी जो लाइट्स हैं ये भी जल रही हैं, लेकिन ये रात में बहुत कूल लगेंगी। अभी जो है वो अपना डे टाइम चल रहा है, तो इस वजह से नहीं लग रही। अभी मैं रात में भी इसको करूँगा, तो देखना आप कैसा लगेगा। बाकी एंट्रेंस जगह जगह की है वो बड़ी कूल है, बहुत कुछ ऐड किया गया गाइस इसमें, ट्रीज व्रीज और बहुत सी चेंजेस की गई हैं। जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आप देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा। तो गाइस, अभी मैं जल्दी से नाइट टाइम पे कर देता हूँ, फिर अपन नाइट टाइम में ओवरव्यू लेंगे कि अपन अपना जो मेंशन है वो कैसा लग रहा है। बाकी अभी मैंने नाइट टाइम पे कर दिया, और क्या मेंशन की लुक आ रही है। अभी एंट्रेंस से अपन एंट्री लेंगे और देखते हैं अपना जो मेंशन है वो कैसा लग रहा है। मेरे को तो भाई नाइट टाइम जो है मेंशन का अपना बहुत तगड़ा लग रहा है, मेरे को यही पसंद आ रहा है। अभी अपन ज़रा अंदर देखते हुए चलते हैं, क्या चीज़ कैसी लग रही है। लाइट्स जो है इसमें, लाइट्स पे बहुत वर्क किया गया है गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं हर जगह लाइट्स ही लाइट्स है, जो कि एक बेहतरीन लुक दे रही है अपने मेंशन में। अभी गैराज देखते हैं, वहाँ गैराज चलते हैं। मेरा गैराज रेड और ऑरेंज टाइप हो रहा है, लाइट मेरे शायद ग्राफिक मोड की वजह से हो रहा है, तो गैराज भी टाइट लग रहा है। ये देखें गाइस, यहाँ पे लाइट्स कितनी है। बैक से जो है इसका बैक का जो वो आ रहा है, बैक का ज़्यादा अच्छा आ रहा है लाइट्स के साथ, तो बैक पे ज़्यादा काम किया हुआ है लाइट्स पे। तो गाइस, ओवरव्यू तो ज़्यादा अच्छा आ रहा है इसका। बाकी भाई, तू कहाँ घुस रहा है पानी के अंदर, गिर गया बेचारा अंदर, मैं तेरे को बचा नहीं सकता, सॉरी, मैं ज़रा अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आई एम बिजी, वरना मैं तेरे को बचा लेता। बाकी गाइस, मेंशन तो बड़ा कूल लग रहा है। अब अपन ओवरव्यू तो ले चुके हैं नाइट में भी और डे में भी, अब अपन चलते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ अपने डेस्कटॉप पे। तो गाइस, अपनी डेस्कटॉप पे आने के बाद आपने अपना ब्राउज़र जो है उसको ओपन कर लेना है, और सर्च बार में आपने टाइप करना है GTA 5 मॉड्स मलिव्यू मेंशन। तो गाइस, फर्स्ट पर जो आएगा वो आएगा मलिव्यू मेंशन एड ऑन SP। तो गाइस, आपने इसको भी डाउनलोड कर लेना है। इसकी मैं आपको इमेजेस दिखा देता हूँ, मैंने वैसे भी वीडियो में दिखाई दिया है, लेकिन इधर भी मैं दिखाई देता हूँ आप लोगों को। गाइस, ये जो है इस हाउस की इमेजेस हैं। तो गाइस, ये थी अपने हाउस मोड की इमेजेस, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद गाइस, आपने सर्च बार में मलिव्यू के पीछे, या भले अलग से आप रिमूव करके लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख दूंगा कस्टमाइज। तो गाइज, फिर आ जाएगा फर्स्ट पे ये MLO इम्प्रूव्ड एंड कस्टमाइज मलिव्यू मेंशन एड ऑन। तो गाइज, आपने इन दोनों को भी डाउनलोड कर लेना है। इसकी भी मैं आपको इमेजेस दिखा देता हूँ गाइज।
गाइज ये इमेजेस हैं, ये जो MLO इम्प्रूव्ड है इसको भी आपने डाउनलोड कर लेना है गाइज। मैं दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इन दोनों को भी आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद गाइज अपन चलते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ। गाइज डाउनलोड करने के बाद आपने जो मलेव्यू मेंशन है, जो कि मेंशन है अपना इम्प्रूव वाला नहीं, जो कि अपना मलेव्यू मेंशन है, आपने इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है और आर्चिव को आप भले डिलीट कर दें और इसको भी साथ ही एक्सट्रैक्ट कर लें कि जो इम्प्रूव वाला जो मलेव्यू मेंशन है इसको भी आप एक्सट्रैक्ट कर लें साथ में तो बेहतर रहेगा। और इसको आर्चिव को मैंने डिलीट कर देता हूँ। गाइज अब हमें जो नीड होगी वो होगी ओपन आई वी की, तो ओपन आई वी भी अपन ओपन कर लेते हैं। GTA 5 विंडोज आइकन्स मेरे इधर उधर हुआ है, अभी इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। हाँ तो गाइज ओपन आई वी ओपन होने के बाद आपने ये जहन में रहे कि ये एडिट मोड पर हो। गाइज एडिट मोड पे होने के बाद आपने जाना मॉड्स अपडेट X64 DLC पैक्स। गाइज अपन का जो मलेव्यू मेंशन है अपन ने उसको ओपन करना है, मेन फाइल्स मलेव्यू मेंशन जिसमें अपनी DLC RPF प्रेजेंट है, इसको अपन ने इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। गाइज अब अपन ने फर्दर इसके अंदर जाना है, मलेव्यू मेंशन DLC RPF X64 लेवल्स GTA 5, और पहले अपन ने जाना है मलेव्यू मेंशन meta.rpf। गाइज इसमें आने के बाद अपन ने ओपन करनी है इम्प्रूव वाली जो फाइल थी उसको ओपन करना है, और इसमें जाना है अपन ने मेटा फोल्डर में जाने के बाद आपने इन सबको कर लेना है सिलेक्ट और आपने इधर कर देना है ड्रैग एंड ड्रॉप। गाइस सिंपली आपने बैक आना है और फिर जाना है मॉडल्स में और फिर ओपन आई वी में बैक आ जाना है, फिर जाना है मलेव्यू मेंशन models.rpf। तो गाइस इधर भी आपने ये फाइल्स ड्रैग एंड ड्रॉप कर देनी है, वो वाली नहीं जो गाइस मॉडल्स में प्रेजेंट है। गाइस जहन में रहे कि आप फाइल से इंस्टॉल करें वरना आपका गेम भी क्रैश हो सकता है। मेटा वाले में गाइस आप मेटा की फाइल्स पुट करेंगे, मॉडल्स वाले में मॉडल्स की फाइल पुट करेंगे। तो गाइस ये करना था, ये हो चुका है। अब आपने बैक आ जाना है वापस DLC पैक्स में जहाँ आपने मलेव्यू मेंशन का फोल्डर ड्रैग एंड ड्रॉप किया था। यहाँ पे एक फोल्डर और होगा इम्प्रूव वाली फाइल में एड ऑन प्रॉप्स का, उसको भी आपने इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। इसके अंदर है DLC RPF प्रेजेंट, तो आपने इसको भी इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। गाइस ये एक फाइल और है लेज़र लाइट्स के लिए, ये उनके लिए है जिन्होंने NVE इंस्टॉल किया हुआ है। जिन्होंने NVE इंस्टॉल किया हुआ है गाइस तो वो ये इंस्टॉल करें रीडमी फाइल पढ़ के, या अगर भले वो मेरे से गाइड लेना चाहेंगे तो मैं उन्हें गाइड कर दूंगा, लेकिन मैंने अभी अपनी गेम में NVE मॉड इंस्टॉल नहीं किया हुआ है तो इस वजह से मैं अभी इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ ये जो फाइल है ये NVE यूज़र्स के लिए है। NVE मतलब गाइस नेचुरल विजन इवॉल्व, जो कि बहुत एक पॉपुलर सा ग्राफिक मॉड है आपको पता ही होगा, तो ये उसके लिए है फाइल। तो गाइस ये होने के बाद आपने जाना है मॉड्स अपडेट update.rpf कॉमन डेटा। डेटा में आने के बाद गाइस आपने अपनी जो DLC लिस्ट है इसको एडिट मोड पर ओपन कर लेना है। गाइस यहाँ पे जो इसकी लास्ट लाइन होगी DLC एडिटर की इसको कॉपी करना और फिर से दो दफ़ा पेस्ट कर देना है। अब गाइस अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, या फोल्डर से नेम कॉपी करना चाहें तो फोल्डर से कर लें। मैं फोल्डर से नेम कॉपी करता हूं क्योंकि ज़्यादा अच्छा रहता है, वरना कभी कभी कोई मिस्टेक हो जाती है तो फिर गेम में जो अपना जो भी मॉड होता है वो सही तरीके से वर्क नहीं करता, तो मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगा। तो अभी हमने एड ऑन प्रॉप्स लिख दिया है, अभी अपन जो है अपनी गेम में से मलेव्यू मेंशन उठा ले, मलेव्यू मेंशन का नेम जो है वो कॉपी कर लेते हैं, तो उसको भी आपने कॉपी करके इधर पेस्ट कर देना है और गाइस सेव पे क्लिक कर देना है। तो गाइस ये जो अपना अभी मॉड है ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, शो केस के ज़रिए तो मैंने आपको दिखा दिया था ये कैसा होगा। अगर गाइस किसी को कोई प्रॉब्लम होती है मॉड उसका सही इंस्टॉल नहीं होता तो वो मुझसे पूछ सकता है, मैं उसकी हेल्प कर दूंगा, मैं उसको मैसेज के जवाब उसके ज़रूर दूंगा। बाकी गाइस अगर आपको गेम क्रैश होता है लोडिंग स्क्रीन पे या स्टार्ट होता है तो आपने इंस्टॉल करना है पैक फाइल लिमिट एडजस्टर, हीप लिमिट एडजस्टर और गेम कॉन्फिग। आपने घबराना नहीं है, अगर आपको गेम क्रैश हो तो मैं आपको अपने ब्राउज़र में दिखा देता हूँ पैक फाइल लिमिट एडजस्टर। गाइस ये आपने मॉड इंस्टॉल करना है अगर आपका गेम क्रैश हो तो, यहीं पे इन्होंने नीचे दी हुई है हीप लिमिट एडजस्टर की लिंक, तो वो आपने इंस्टॉल कर लेना है। इसका जो है मॉडिफाइड वर्जन भी है जो कि 650 MB वो जो 600 MB की हीप लिमिट एडजस्टर है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप गाइस ये वाली इंस्टॉल करें हीप लिमिट एडजस्टर 650 MB ऑफ हीप। तो गाइस ये ज़्यादा बेस्ट है,
बामुकाबले इसके, तो आप वो इंस्टॉल करिएगा ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर आपका गेम क्रैश होता है तो। और गेम कॉन्फिग भी आपको नेसेसरी इंस्टॉल करना, तो आप गेम कॉन्फिग भी इंस्टॉल करिएगा गाइस। यहाँ पे आएंगी बहुत सारी, लेकिन आप सर्च बार में सर्च करिएगा, जो फर्स्ट पर आए आप उसे इंस्टॉल कर लेना अगर आपका गेम क्रैश होता है। तो चलो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। गाइस अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और गाइस 1000 सब्सक्राइबर करा दो। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, 1000 सब्सक्राइबर करा दो। बाकी मैं और मॉडिंग वीडियोज़ भी डालता ही रहूँगा, जितनी मैं बना सकता हूँ बनाऊँगा, और गेम प्लेज भी अभी मैं करूँगा, तो उसके लिए भी आप तैयार रहना और बहुत इंटरटेनिंग होगा, सब गेम प्लेस करूँगा बारी बारी। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो चलो गाइस फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टाटा।